बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री अविनाश, श्री शंकर सिंह रावत, श्री गणेश गोगरा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज आपको दक्षिणी राजस्थान TSP क्षेत्र आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए अपनी पिछली सरकार ने सत्र 2012 में राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में की थी। कालांतर में सरकार बदली और राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर का नाम व स्थान बदल दिया गया। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में बांसवाड़ा में चल रहा है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की स्थापना के बाद 9 वर्ष हो गए, लेकिन इस विश्वविद्यालय में एक भी पद पर सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती नहीं हो पाई तथा ना ही विभागों का गठन हो पाया है। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी युवा जिन्होंने PhD, नेट, स्लेट आदि की उपाधि प्राप्त कर रखी है, करीब 360 युवा हैं जो उक्त पदों पर भर्ती होती है तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे जनजाति विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी युवाओं हेतु आरक्षित करने की मांग करता हूँ, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में क्रमशः मुस्लिम व SC के लिए भर्ती प्रक्रिया में उक्त वर्ग के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं। इसी आधार पर मैं जनजाति विश्वविद्यालय में TSP के ST वर्ग हेतु आरक्षित किया जाए, ताकि जनजाति समाज की संस्कृति, कला एवं भाषा का संरक्षण एवं शोध हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में निम्न विषय के विभाग खोलने की मांग करता हूँ: हिंदी, अंग्रेजी, विधि, राजनीतिक, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ट्राइबल स्टडीज इत्यादि व उक्त पदों पर शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों का सृजन कर यथाशीघ्र भर्ती आरंभ कर जनजाति युवाओं को नियुक्ति दी जाए। वर्तमान में केवल कुलपति की नियुक्ति हो पाई है, बाकी पदों पर संविदा पर कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें भी जनजाति वर्ग के लोगों को फायदा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती मनीषा पवार, श्री पप्पा राम।